स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत का पाठ 10, अस्माकं सहयोगिना लट लकार वर्तमान काल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लकार क्या होता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चलता है उसे लकार या काल कहा जाता है। जैसे आपने हिंदी में पढ़े हैं टेंस काल, इंग्लिश में आपने पढ़े हैं टेंस, संस्कृत में उन्हें हम बोलते हैं लकार। इसमें क्या होता है कि जो हम क्रिया करते हैं, जो हम काम कर रहे होते हैं, उसका एक टाइम पता चलता है कि ये काम आपने कब किया, कि ये काम हो चुका है, होगा या हो रहा है। संस्कृत भाषा में निम्नलिखित लकार होते हैं। पहला होता है लट लकार, जिसे हम बोलते हैं वर्तमान काल और इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। सेकेंड होता है लंग लकार, जिसे बोलते हैं भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस। फिर है लिट लकार, भविष्यत काल फ्यूचर टेंस। फिर है लोट लकार, आज्ञार्थक काल। और फिर है विधि लिंग लकार, चाहिए के अर्थ में। ये लकार होते हैं संस्कृत के अंदर। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे लट लकार यानी कि वर्तमान काल के बारे में। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के चल रहे समय में होने का पता चलता है यानी कि ये काम इस समय हो रहा है, उसे हम बोलते हैं लट लकार यानी कि वर्तमान काल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम प्रेजेंट टेंस। लट लकार के तीनों पुरुष तीनों वचनों के रूप में इस प्रकार चलते हैं, जिसे प्रथम पुरुष में यहाँ है पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो प्रथम पुरुष में देखिए, एक वचन में क्रीडति, क्रीडत, क्रीडन्ति। मध्यम पुरुष में क्रीडसि, क्रीडथ, क्रीडथ। उत्तम पुरुष में क्रीणामि, क्रीडाव, क्रीणाम। यानी कि अगर एक के बारे में बात कर रहे हैं तो क्रीडति, जैसे प्रथम पुरुष में क्रीडति का यूज हुआ खेलने के लिए, मध्यम पुरुष में क्रीडसि, उत्तम पुरुष में क्रीणामि। द्विवचन यानी कि जब दो हो तो क्रीडत, क्रीडथ, क्रीडाव। इसमें क्या करना होता है, इसमें पीछे लग जाते हैं विसर्ग। यहाँ पर एक वचन में हम लगाते हैं छोटी की मात्रा पीछे, द्विवचन में हम लगाते हैं विसर्ग, बहुवचन में यहाँ पर अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ है क्रीडत का होगा क्रीडन्ति, फिर क्रीडथ का होगा क्रीडथ, क्रीडाव का होगा क्रीणाम। आत्मेन पद में रूप लभते, लभते, लभन्ते आदि की तरह चलते हैं। अब देखिए, पढ़िए और समझिए। यहाँ है एषः कुंभकार अस्ति, यानी कि एषः ये है, कुंभकार को बोलते हैं कुम्हार है। एषः असंभव्यं घटान दीपकान शरावान च मृत्तिकायां रचयति, यानी कि यह असंभव्यं हमारे लिए घटान घड़े, दीपकान दीपक, शरावान यानी कि सकोरे, मृत्तिकायां मिट्टी से बनाता है। एषः दंडेन स्वचक्रं भ्राम्यति, यह डंडे से अपने चाक को घुमाता है। स्वचक्रम यानी कि अपने चाक को, जिस पर काम करते हैं ना, जिस पर मिट्टी से बर्तन बनाए जाते हैं वो। एषः मृदं चक्रे स्थापयित्वा हस्ताभ्यां पात्राणि रचयति, यानी कि यह मृदं मिट्टी से चक्रे चाक पर रखकर सहयित्वा दोनों हाथों से, सहयित्वा हस्ताभ्यां दोनों हाथों से पात्राणि रचयन्ति बर्तन बनाता है। एषः चिकित्सकः अस्ति, यानी कि यह डॉक्टर है। एषः अस्वस्थानां जनानां चिकित्सां करोति, यह अस्वस्थानां यानी कि बीमार जनानां लोगों का चिकित्सा इलाज करता है। सः जनानां जनान स्वास्थ्य नियमानां उपदर्शति, यह लोगों को स्वास्थ्य के नियम भी बताता है। जना तेषां पालनं कुर्वन्ति स्वस्था भवन्ति च, और लोग उनका पालन करते हैं और स्वस्थ होते हैं। एषः रजकः अस्ति, यह धोबी है। अस्य अपरं नाम यानी कि इसका दूसरा नाम धावक अपि अस्ति,
यानी कि धावक भी है, इसका दूसरा नाम धावक भी है। एषः जनानां मलिनानि वस्त्राणि शारीणि प्रक्षालयति, यानी कि यह जनानां लोगों के मलिनानि मैले कपड़ों को, वस्त्राणि शारीणि प्रक्षालयति, मैले कपड़ों को सोडे से धोता है। येन वस्त्राणि निर्मलानि भवन्ति, इससे कपड़े साफ होते हैं। एषः प्रक्षालितानि वस्त्राणि सूर्यतये शोषित्वा तानि उष्णलोहेन बलिमुक्तानि करोति, यानी कि यह वस्त्र प्रक्षालितानि वस्त्राणि यानी कि धुले कपड़ों को सूर्यतये शोषित्वा धूप में सुखाकर तानि उष्णलोहेन बलिमुक्तानि करोति, फिर गर्म स्त्री से यानी कि जो प्रेस होती है उससे इसकी सुकुड़न को मुक्त करता है, हटाता है। जनः निर्मलानि स्वच्छानि वस्त्राणि परिधाय शोभन्ते, लोग निर्मलानि यानी कि साफ सुथरे स्वच्छानि वस्त्राणि कपड़े में कपड़े पहनकर सुंदर लगते हैं। नेक्स्ट है एषः नापितः अस्ति, यह नाई है। एषा शूणेन मुंडम मुंडयति, यह उस्तरे से सिर के बाल काटता है। शूणेन यानी कि उस्तरे से, मुंडम सिर के, मुंडयति बाल काटता है। नखा क्रंतनेन नखानि निक्रंतति, यानी कि नख क्रंतनेन नहनी से नाखूनों को काटता है। एषः जनानां केशान मशरूम कर्तयित वातान सज्जति, यानी कि यह लोगों के बाल और मूछें काटकर उन्हें सुंदर बनाता है। फिर है एषः चर्मकार अस्ति, यह मूछी है। एषः अस्माकं पादत्राणानि सिव्यति, यह हमारे पादत्राणानि यानी कि जूते सिलता है। एषः मृतस्य पशु कृत्रिम सूचिक्या सिव्यत्वा पादत्राणानि रचयति, यह मृतस्य पशु यानी कि मरे पशुओं की कृत्रिम खाल से सूची क्या है, सुई से सिलकर, सूची क्या है सिव्यत्वा यानी कि सुई से सिलकर पादत्राणानि रचयति जूते बनाता है। यानी कि जो मरे हुए जानवर होते हैं, चमड़े के जो बनते हैं, वो मरे हुए जानवरों की स्किन से जो चीज़ें बनती है वो होते हैं चमड़े के। वयम चर्म निर्मितः उपानः अपि धारयम, हम चर्म निर्मितः यानी कि चमड़े से बने कपड़े भी पहनते हैं। लास्ट है आपका एषः स्थपति अस्ति, स्थपति यानी कि राज, जिसे मिस्त्री भी बोलते हैं। एषः इष्टकामी चूर्णेन वज्रलेपेन च भवनं रचयति, यह इष्टकामी ईंटों चूर्णेन चूर्णेन वज्रलेपेन यानी कि सीमेंट के लेप से च भवनम रचयति मकान बनाता है। एषः अस्मभ्यं गृहाणि रचयति, यह हमारे लिए गृहाणि यानी कि घर बनाता है। ये हुआ आपका चैप्टर फिनिश। अब हम करेंगे अभ्यास यानी कि जो आपने अभी चैप्टर पढ़ा उसका काम। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। क है मृत्तिकायाम को हिंदी में क्या कहते हैं, यह लिखना है। ख है धावकों को हिंदी में क्या कहते हैं। इष्टकामी को हिंदी में क्या कहते हैं। सकोरे को संस्कृत में क्या कहते हैं। सोडे को संस्कृत में क्या कहते हैं। आपने चैप्टर पढ़ा उन्हीं में ये वर्डिंग है, तो उन्हीं में से देखकर आप इसमें कर सकते हो। अब देखिए लिखित में, देखिए रिटिंग राइटिंग में, तो फर्स्ट है आपका सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। क है कुंभकार स्वचक्रम भ्राम्यति, कुंभकार अपने चक्र को किससे घुमाता है, पुष्पेण फूलों से, दंडेन लाठी से, या पुस्तकेन पुस्तक से। ख है जनः निर्मलानि स्वच्छानि वस्त्राणि परिधाय, लोग जो साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं वो कपड़े उन पर कैसे लगते हैं, गच्छन्ते लभन्ते या शोभन्ते। ग नापितः शूणेन मुंडयति, जो नाई होता है वो जो
उस्तरा होता है उससे किसके बाल काटता है? नखम नाखून हस्तम हाथों के मुंडम सिर के। घ वयम डैश निर्मिता उपानम धार्यम, हम किसके कपड़े भी पहनते हैं? धातु चर्म या वस्त्र। ण स्थपति असम्भ्यम रचति, यानि कि मिस्त्री हमारे लिए क्या बनाता है? गृहाणी घर, वस्त्राणी कपड़े, पादराणी जूते। जो आंसर सही हो उस पर सही का निशान लगाइए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, कोष्टक में दिए गए शब्दों के सही रूप बनाकर रिक्त स्थान भरने हैं। यानी कि यहाँ पर ब्रैकेट्स के अंदर जो शब्द दे रखे इनसे सही रूप बनाकर आपको फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। का है कुंभकार दंडेन स्वचक्रम डैश, यानी कि जो कुंभकार होता है वो अपने दंडे से अपने चक्र को क्या करता है? क प्रक्षालेन वस्त्राणि डैश भवन्ति, यानी कि धोने से कपड़े कैसे हो जाते हैं? ग एषः नापिता डैश, एक नाई डैश। घ डैश स्वास्थ्य नियमानां पालनं कुर्वन्ति स्वस्था भवन्ति च, कौन स्वास्थ्य नियम का पालन करता है और स्वस्थ रहता है? ण स्थपति इष्टकामी चूर्णेन वज्रलेपेन च डैश रचयति, जो मिस्त्री होते हैं वो ईंटों और सीमेंट के लेप से क्या बनाते हैं? फिर क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मैचिंग्स करनी है। यहाँ पर है कुंभकार यानी कि कुम्हार, रजक धोबी, स्थपति मिस्त्री, नापितः नाई और चर्मकार यानी कि मोची। ठीक है, अब इनके आपको जो ये काम करते हैं उनसे आपको मैच करनी है। जैसे यहाँ पर मैं आपको ऑप्शंस बता रही हूँ। क है कुंभकार, तो कुंभकार का किससे मैच होगा? फर्स्ट नख क्रंतनेन नखानी निक्रंत तति, यानी कि जो नेल कटर होती है नहनी से नाखूनों को काटता है। सेकंड असम्भ्यम शरावान रचयति, यानी कि हमारे लिए सकोरे बनाता है मिट्टी से। थर्ड उष्ण लोहिन वस्त्राणि बलि मुक्तानी करोति, यानी कि धुले कपड़ों को धूप में सुखाकर गर्म स्त्री से उसकी सुकड़न मुक्त करता है। फोर्थ है आपका मृतस्य पशु कृत्रिम पादव्रणानि रचयति, यानी कि ये मरे पशुओं की खाल से सुई से इस जूते बनाता है। और फिफ्थ है आपका भवनम रचयति, यानी कि मकान बनाता है। तो आपको मैच करने हैं। तो कुंभकार का क्या होगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ऐसे ही रजक का मैच करना है, स्थपति का मैच करना है, नापितः का मैच करना है और चर्मकार का मैच करना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, इसमें क्या है? निम्नलिखित वाक्यों को हिंदी में अनुवाद करना है। का है रजक जनानाम मलिनानी वस्त्राणि क्षारेण प्रक्षालयति, रजक का होगा धोबी, जनानाम लोगों के, मलिनानि मैले वस्त्राणि कपड़ों को क्षारेण सोडे से प्रक्षालयति धोता है। ऐसे आपको बनाने हैं। ख है कुंभकार मृत्तिकायां शरावान रचयति, कुम्हार मृत्तिकायां मिट्टी से शरावान सकोरे रचयति बनाता है। ग वयम चर्मनिर्मितः उपानहम धार्यम, वयम हम सब, चर्मनिर्मिता यानी कि चमड़े से बने उपानह कपड़े धार्यम पहनते हैं। घ स्थपति असम्भ्यम गृहाणी रचयति, यानी कि स्थपति या तो इसे राज भी बोल सकते हो या फिर मिस्त्री भी बोल सकते हो। असम्भ्यम हमारे गृहाणी घरों को रचयति बनाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको क्या करना है? संस्कृत में अनुवाद। अभी तो आपने हिंदी में अनुवाद किया, अब संस्कृत में करना है। क लोग स्वच्छ व निर्मल कपड़े पहनते हैं, तो लोग का क्या होगा? जनह, स्वच्छ स्वच्छानि व निर्मल का क्या होगा? निर्मलानि च कपड़े वस्त्राणि पहनते हैं धारयन्ति। व या और के लिए यहाँ पर संस्कृत में हम यूज़ करते हैं च। ख वह अपने हाथों से चित्र बनाता है, तो वह का होगा सह, अपने हाथों से स्व हस्ताभ्याम चित्र चित्रम बनाता है रचयति। ग वह सुई से वस्त्र सिलती है,
तो वह का होगा सा, क्योंकि ये लड़की है इसलिए यहाँ पर आ की मात्रा आएगी सा के साथ। सा सुई से सूचिकायाम, वस्त्र वस्त्राणी, सिलती है तो होगा सिव्यती। घ कुम्हार मिट्टी से दीपक व घड़ी बनाता है, तो कुम्हार का होगा कुंभकार। मिट्टी से मृत्तिक्याम से दीपक व घड़ी बनाता है, दीपान घटान च बनाता है रचयति। ऐसे आपको अपनी बुक में करने हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है। तो का है दीपकान का रचयति, दीपक कौन बनाता है, तो आंसर क्या होगा कुंभकार यानी कि कुम्हार। ख रजकः केन वस्त्राणि प्रक्षालयति, जो धोबी होता है वो किसके कपड़े धोता है, तो यहाँ क्या आएगा जनानाम, लोगों के। ग है क जनानाम चिकित्सां करोति, कौन लोगों की चिकित्सा करता है, तो यहाँ क्या आएगा चिकित्सक यानी कि डॉक्टर। घ स्पति असंभ्यम कानि रचयति, स्पति हमारे लिए क्या रचता है, गृहिणी।